फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स कॉलर में। आजकल जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक हिस्सा होता है प्रोसीजर, और प्रोसीजर्स में हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। जो भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, मतलब स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप कैसे लिया जाता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, और इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। तो प्रोसीजर जो है वो एक तरीके का एक सिस्टम है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, जिससे कि फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस, मतलब रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जो एडवांस में पहले से बताए हुए हैं किसी भी फ्यूचर कंडीशन को हैंडल करने से पहले। सेकेंड वन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड। यहाँ पे बोला गया प्रोसीजर के बारे में, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इज टू बी फॉलोड बाई एम्प्लॉयज एट डिफरेंट सिचुएशंस मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड सो दैट एवरीवन फॉलोज सेम स्टेप्स। तो इन्होंने बोला है कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, अगर अलग अलग सिचुएशन में, मतलब सारे के सारे एम्प्लॉयज को मालूम है कि अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है, तो उस टाइम कैसे क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। तो प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इज़ टू बी फॉलोड बाई एम्प्लॉयज एट डिफरेंट सिचुएशंस। एम्प्लॉयज़ को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग प्रोसीजर को अपनाना है, एंड विच मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड, और पहले से तय होना चाहिए, पहले से डिसाइड होना चाहिए कि वो कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे जिसे फॉलो किया जाएगा, सो दैट एवरी वन फॉलोज द सेम स्टेप, जिससे सारे के सारे लोग सेम स्टेप फॉलो करें। थर्ड पॉइंट इज द प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज़ टू बी अकम्प्लिश्ड। प्रोसीजर को हम डिफाइन कर सकते हैं एक एग्जैक्ट तरीका, एक एग्जैक्ट मैनर, जिसमें हम किसी भी एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। एक्टिविटी का मतलब होता है कुछ भी करना, आप कुछ भी कर रहे हो इज एन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज होती है, जिसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। तो यहाँ बोला गया कि प्रोसीजर, मतलब द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर, एकदम एग्जैक्ट तरीके से बता दिया जाता है, जिससे कि हम ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिश हो, काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो। दिस इज द शॉर्ट वीडियो ऑन प्रोसीजर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।